हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने वाली हूँ, उस वीडियो का टाइटल है दज्जाल के बारे में हुजूर की पेशगी। रज़ा साकिब मुस्तफ़ाई साहब की वीडियो है ये, और ये बयान करेंगे और देखते हैं ये कैसा बयान करते हैं। मैं इनकी वीडियो फर्स्ट टाइम देखूँगी, और अभी तक मैंने मौलाना तारिक जमील साहब की ज़्यादातर मैं वीडियो देखती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि महबूब, ये फरिश्ते किस मामले में बहस कर रहे हैं? तो मैंने कहा ला अदरी, मुझे इसका इदराक नहीं कि वो क्या कह रहे हैं। तो फिर अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत मेरे दो कंधों के दरमियान रखा। फिर क्या हुआ इससे? अल्लाह का दस्ते कुदरत कह रहे हैं, बाकी कोई लफ्ज ही नहीं हमारे पास। उसने दस्ते कुदरत वाला हाथ मेरे दो कंधों के दरमियान रखा। ये कौन कह रहे हैं? मेरे हुजूर कह रहे हैं। मेरे रब ने दस्ते कुदरत मेरे दो कंधों के दरमियान रखा। फिर हुआ क्या, सुन लो अगले लफ्ज। दस्ते कुदरत यहां आया, ठंड सीने में पड़ गई। फअलिम तो माफिस समावात वल अर्द, जमीन और आसमान में जो कुछ था अल्लाह ने सबका इल्म मुझे अता कर। सीने में नूर आ गया, सीने में इल्म आ गया। कायनात की कोई शय ऐसी नहीं है जो हुजूर अलैहिस्सलाम ना जानते हो। और फिर कहां तक इल्म आया ये हुजूर से पूछिए। फरमाया कुर्ब कयामत में जब दज्जाल आएगा तो मेरे गुलाम उसके मुकाबले के लिए निकलेंगे। दज्जाल कब आएगा अल्लाह जानता है। 1400 साल इस बात को बताए हुए हो गए। कहा कुर्ब कयामत में दज्जाल आएगा, मेरे गुलाम उसके मुकाबले में निकलेंगे। इन्नी लआरिफु अस्माअहुम, मैं अपने उन गुलामों के नामों को जानता हूं। कब? जो कुर्ब कयामत में आएंगे। मैं आपके नामों को नहीं जानता। आप दो दो साल, चार चार साल, पांच पांच साल से मेरे पीछे जुम्मतुल मुबारक पढ़ रहे हैं। शक्लों को पहचानता हूँ, नामों को नहीं जानता। कई लोग बड़े शौक से कहते हैं जनाब वो नज़ीर साहब, नदीम साहब, फलां साहब, वो आपके, मैं कहता हूँ तस्वीर दिखाओगे तो मैं पहचानूंगा। तो इतने लोगों के नाम तो में याद जाते हैं। नहीं रखता। तो जब मैं आपके नाम नहीं जानता जो हर जुम्मतुल मुबारक को यहाँ आते हैं, तो जहाँ दो महीने के बाद दस से कुरान देने जाता हूँ, तो वहाँ के लोगों के नाम कैसे जानूंगा? और फिर जो सोशल मीडिया पे सुनते हैं और मैं उनको देखा भी नहीं, उनके नाम कैसे जानूंगा? और मेरे हुजूर क्या कह रहे हैं कि कुर्बे कयामत में जो दज्जाल आने वाला है और मेरे गुलाम जो उसके मुकाबले में निकलेंगे, मैं उन गुलामों के नामों को जानता हूँ। बात खत्म यहां नहीं हुई, यहां खत्म हो जाती फिर भी काफी था, लेकिन मेरे हुजूर ने आगे भी बात फरमाई। वह अस्मा आबाएहिम, उनके बापों के नामों को भी जानता हूं, उनके बापों के नामों को भी। कहानी खत्म नहीं हुई, बात आगे फरमाई। वह अलवाना खुयूलेहिम, जिन घोड़ों पे चढ़ के जिहाद करेंगे, मैं मोहम्मद उन घोड़ों के रंगों को भी जानता हूं। कौन सा गुलाम, किसका बेटा, किस कबीले का फर्द, किस रंग के घोड़े पे बैठ के जिहाद करेगा? कहा मैं सब जानता हूं। ये क्यों जानते हैं? दस्ते कुदरत हुजूर के कंधों पे आया। वो कहता है अर्रहमान अल्लामल कुरान, ये तलमीज़े रहमान है, मैंने पढ़ाया है। तो जब उसने पढ़ाया है तो फिर कोई शय मखवी, महबूब से कोई शय पोशीदा नहीं रखी। और आला हजरत फरमाते हैं कोई निशानी बाकी रह गई जब रुख से निकाब भी उलट दिया, जब रब ने अपना आप भी नहीं छुपाया तो फिर कोई शय बाकी पीछे रह गई। ले नूरी याहू मिन आयातिना, उसने अपनी कुदरत की निशानियां देखा। दोस्तों, बहुत अच्छी वीडियो थी और बहुत अच्छा लगा मुझे इनका बयान करने का तरीका, और जिस तरीके से इन्होंने बताया कि हुजूर पाक ने ये भी बता दिया कि किस घोड़े पर आएगा, किस रंग का होगा और दज्जाल कब आएगा। तो दोस्तों, मतलब कहते हैं ना कि हुजूर पाक तो मतलब पूरी कायनात के बारे में जानते हैं और एक एक वाक्या के बारे में जानते हैं कि दुनिया में क्या क्या होना है और क्या कयामत तक होएगा, कयामत के दिन क्या होगा, क्योंकि वो अल्लाह ताला के इतने करीब थे, मतलब कहते ना महबूब थे अल्लाह ताला के।
तो वो तो सब कुछ जानेंगे, जाहिर सी बात है। तो दोस्तों बहुत अच्छी वीडियो थी और आई होप आपको भी बहुत अच्छी लगी होगी। और दोस्तों अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।